जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को 12th के बाद कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन से कोर्स उनके लिए सही रहेंगे जिससे उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, फिर चाहे उनके पास कोई भी स्ट्रीम है, चाहे वो आर्ट साइड से है, कॉमर्स से है, साइंस है, किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने अपना 12th किया है। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे कि सर, काफी ज्यादा क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि हमने यूपी बोर्ड से 12th किया है तो अब हमें कौन से कोर्स करने चाहिए जिससे हमें आगे परेशानी ना हो स्टडी में, जॉब में, तो वो कौन से कोर्स हमारे लिए सही रहेंगे। तो साथियों, बात करते हैं, यदि आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो आप परेशान ना हो, यूपी बोर्ड वाले बच्चे अपने आप को कम ना समझे। अब बात करते हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्स सही है। तो साथियों, सबसे पहला कोर्स है यूपी बोर्ड से, यदि आपने 12th किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो सबसे पहला कोर्स आप BCA कर सकते हैं। जी हां साथियों, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, आज की डेट में बहुत अच्छा कोर्स है। बच्चे कहते हैं सर हमें इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, तो आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो BCA आज की डेट में काफी अच्छा कोर्स है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद में जॉब ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है जो आप BCA करें किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें। अगर आप अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो फिर आपको जॉब में प्रॉब्लम होने वाली है, यानी कि यदि आपको BCA करना तो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं करना है। अब बात करते हैं साथियों दूसरे कोर्स की। तो आपने अपना 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप मेडिकल की तरफ जा सकते हैं, आप ANM या GNM का कोर्स कर सकते हैं। ANM GNM का कोर्स पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि इसके बाद में कहां कहां पर क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, तो आप ANM और GNM का कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों तीसरे कैरियर ऑप्शन की, तो साथियों तीसरा कैरियर ऑप्शन है आप इंटीग्रेटेड BEd कर सकते हैं। यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, एजुकेशन लाइन में आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड BEd कर सकते हैं, यानी कि BA प्लस BEd कर सकते हैं, BCOM प्लस BEd कर सकते हैं, BSc प्लस BEd करके अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ कोर्स की, तो फोर्थ कोर्स है साथियों आप किसकी तरफ जा सकते हैं, आप अपना इंटीग्रेटेड LLB कर सकते हैं। आप इंटीग्रेटेड LLB यानी कि BA LLB, BCOM प्लस LLB, BBA प्लस LLB ये कोर्सेज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। आज की डेट में BA LLB का जो स्कोप है बहुत अच्छा है और आने वाला जो समय है वो भी काफी अच्छा रहने वाला है। मैंने सभी कोर्सेज पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यदि आपको कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है कि BBA करने के बाद में क्या फायदा है, BCA करने के क्या बेनिफिट है, कहां कहां पर हमें जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिल जाती है, तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों फिफ्थ कैरियर ऑप्शन की, तो फिफ्थ कैरियर ऑप्शन है साथियों आप क्या कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं। जी हां साथियों, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर इसमें इंग्लिश, हां थोड़ा सा इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करनी पड़ेगी, वो आप जब आगे पढ़ाई करेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया जाएगा, बस आपके अंदर सीखने की आदत होनी चाहिए, आपको सीखने की ललक होनी चाहिए, तो आप सब चीज कर सकते हैं। तो BBA आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBSE बोर्ड वाले, ICSE बोर्ड वाले ही BBA कर सकते हैं, तो आप BBA करके अपना कैरियर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें साथियों सिक्स कैरियर ऑप्शन की, तो सिक्स कैरियर ऑप्शन है साथियों आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। जी हां साथियों, जर्नलिज्म में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जर्नलिज्म में आप अपना, आपको रेडियो जॉकी बनना है, आपको बोलना अच्छा लगता है, तो आप अपना रिपोर्टर बन सकते हैं, आप न्यूज एंकर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारे इसमें जॉब ऑप्शन हैं, तो आप अपना जर्नलिज्म में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों सेवंथ कैरियर ऑप्शन की, तो सेवंथ कैरियर ऑप्शन है साथियों आप होटल एंड टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आप BHMCT कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। बात करें साथियों एट कैरियर ऑप्शन की, तो एट कैरियर ऑप्शन है साथियों आप अपना BA कर सकते हैं और BA के साथ साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना BA करिए और BA प्राइवेट या रेगुलर से करिए और उसके साथ साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। 3 साल तक यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो 3 साल में आप जरूर इतने लायक हो जाएंगे कि आप किसी न किसी एग्जाम को जरूर पास कर लेंगे, यदि आप मेहनत और लगन के साथ करते हैं। तो साथियों यदि आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरीके इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।